नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में डिलीवरी बॉय की धारदार हथियार से गला रेत कर अपराधियों ने की हत्या, इलाके में फैली सनसनी। अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस पर अधिकारियों ने किया पौधारोपण, जवानों ने लिया संकल्प। पुलिस पाठशाला में एसपी ने बताया सफलता का राज, कहा यूपीएससी इतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। बांका में प्यार चढ़ा परवान, एसपी के आदेश पर हुई शादी, बाराती बने पुलिस कर्मी। और पीएनबी बैंक लूटकांड मामले में चार अपराधी गिरफ्तार, एसपी ने किया खुलासा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में आपराधिक घटना और हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला भागलपुर के हबीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज मोहल्ले में एक युवक की अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इस वारदात के दौरान युवक के बच्चे की भी हत्या करने का प्रयास की बात बताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान रंजीत यादव के 32 वर्ष से पुत्र अजीत कुमार यादव के रूप में हुई है, जो फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। घटना को लेकर मृतक की मां ने बताया कि अजीत ने प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद उसकी पत्नी जमीन में हिस्सा मांग रही थी, जिसके कारण घर में अक्सर विवाद होता रहता था। मृतक की मां ने बताया कि जमीन नहीं देने के कारण ही उसके पुत्र की हत्या पत्नी ने कराई है। वही बताया जा रहा है कि हत्या से पहले अजीत यादव को किसी ने फोन कर घर से बुलाया और बाद में सुनसान वहियार में बेरहमी से उसकी मारपीट कर घायल कर देने की खबर सामने आई, लेकिन बाद में अजीत के हाथ और पैर के साथ गला रेत कर हत्या कर देने की बात सामने आई। इधर ग्रामीणों ने बहियार में अजीत के लहूलुहान शव को देखकर इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। घटनास्थल को लेकर सिटी एसपी शुभम आर्य ने घटनास्थल का मुआयना किया और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी करने की बात कही। हमारा घरों में सबसे पहले लव मैरिज विवाह कर लो छ, घरों में टेंशन छो, भार नाम छे फूचन यादव, बापर नाम देबू यादव, बेटी नाम कोमल, एक और नाम रसगुल, ये 4 गो छोड़ा के और मार नाम भुला गए छो, बता छो पुकरी देवी। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ, एक को बात नहीं हुआ है, वो अपना लहरों में था, घर मकून का हिस्सा हमसे मांगता था, टोटल चीज पुतहुआ पुतहुआ ये सब सब मिल को सपोर्ट दिया है, मरवाया है हमारा बेटा को वही, और दूसरा को किसी के हम नाम नहीं देंगे। के पुतहु मरवाई है? हाँ, इनका वाइफ मरवाई है। हाँ, और फूचन फूचन और उसका नाम है कोमल, बाप का नाम है देबू यादव, एगो रसगुल यादव। मारने वाला हम नहीं देख पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस पर शनिवार को भागलपुर पुलिस केंद्र परिसर में सिटी एसपी शरण प्रभात ने पौधारोपण किया। वहीं जवानों ने नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर सिटी एसपी शरण प्रभात ने कहा कि नशा सभी को आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद कर देता है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को लागू कर हजारों घरों को उजाड़ने से बचा लिया। साथ ही सिटी एसपी ने युवाओं से नशा से दूर रहने की अपील भी की। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक ने भागलपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नव चेतना की जानकारी दी। मौके पर सर्जन मेजर के शर्मा समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। जैसा विदित है, आज 26 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय विमुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। ये पूरे देश विदेश स्तर पर मनाया जाता है और यहाँ की युवाओं से यही संदेश होगा कि नशा से बचे। और भागलपुर पुलिस एक ऑपरेशन नव चेतना अभियान भी चला रही है। पिछले 3 महीनों से हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और हम लोगों का यही प्रयास है कि जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जो नशे के चपेट में आ चुके हैं वो इससे बाहर निकले। और इसी के क्रम में आज पुलिस लाइन भागलपुर में
एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, उसी में हम लोग आए हुए। भागलपुर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत चल रहे निःशुल्क पुलिस पाठशाला में जिले के कई आईएएस और आईपीएस अफसर छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि सैंडिस कंपाउंड स्थित ओपन थिएटर में 1 जून को डीआईजी विवेकानंद, डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम समेत कई पदाधिकारियों और शिक्षकों ने मिलकर पुलिस पाठशाला का शुभारंभ किया था। वहीं पुलिस पाठशाला में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए शनिवार को सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात भी पहुंचे। आईपीएस स्वर्ण प्रभात ने करीब 2 घंटे तक अभ्यर्थियों को उनके सवाल सुनकर एग्जाम में सफल होने का टिप्स दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सिटी एसपी से बीपीएससी एवं यूपीएससी के पीटी मेंस और इंटरव्यू की जानकारी ली। मोटिवेशनल क्लास लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ने अभ्यर्थियों को अपनी कमजोरी पहचानने और उस बाधा को दूर करने की बात कही। पुलिस पाठशाला में सिटी एसपी ने अपने सफलता का राज बताते हुए कहा कि यूपीएससी इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए शिद्दत के साथ तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने पढ़ाई के दौरान आने वाली पारिवारिक चुनौतियों का जिक्र भी किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जॉब के साथ प्रतियोगिता परीक्षा के प्रिपरेशन पर जोर दिया, साथ ही सीमित बुक और नोट्स पढ़ने की सलाह दी और परीक्षा में सफल होने के लिए मॉक टेस्ट एवं करंट अफेयर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। वहीं मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने पुलिस पाठशाला में पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों से नियमित क्लास करने और अपने गोल को टारगेट करने की बात कही। सुबोध कुमार ने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन जरूरी है। इस अवसर पर सर्जन मेजर के शर्मा, विनय कुमार समेत काफी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद थे। जैसा कि विदित है, भागलपुर जिला पुलिस के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस पाठशाला का आयोजन किया जाता रहा है और उसी के क्रम में मैं यहाँ आया था और यहाँ सभी बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं। इन लोगों से हमारा एक इंट्रैक्शन क्लास था और एक हम लोगों का प्रयास था कि हम लोग इनको मोटिवेट कर पाएं और इनकी कुछ समस्याएं हैं उनका कुछ समाधान बता पाएं। बांका पुलिस लाइन में पदस्थापित जवान मिथिलेश पासवान और उसकी प्रेमिका के प्यार को आखिरकार मुकाम हासिल हो गया। दरअसल बांका पुलिस लाइन में कार्यरत जवान मिथिलेश पासवान और मुंगेर कलारामपुर निवासी साजन कुमार की पुत्री करिश्मा कुमारी के बीच पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन प्रेमिका करिश्मा ने जब मिथिलेश को शादी के लिए कहा तो मिथिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वहीं इसके बाद करिश्मा अपने घर वालों के साथ बीती शुक्रवार की शाम बांका एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई, जहां पूरी बात जानने के बाद एसपी ने पुलिस जवान मिथिलेश को करिश्मा से शादी करने का निर्देश दिया। इधर एसपी के आदेश पर शनिवार को प्रेमी युगल मिथिलेश और करिश्मा का विवाह मंदिर में संपन्न कराया गया। इससे पूर्व शुक्रवार की रात टाउन थाना में इस मामले को लेकर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन शनिवार की दोपहर निबंधन कार्यालय में टाउन थाना प्रभारी सुजीत वारसी की मौजूदगी में दोनों की शादी संपन्न कराई गई, जबकि इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से कोर्ट कैंपस स्थित शिव मंदिर में मिथिलेश ने सैकड़ों लोगों के सामने करिश्मा की मांग भरकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अरवल के तेलपा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बेलखारा स्थित पंजाब नेशनल बैंक से शुक्रवार को हथियारबंद अपराधियों द्वारा बैंक लूटकांड को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया था। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक और अभियुक्त को अरवल सदर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर बैंक लूटकांड का उद्भेदन करते हुए अरवल एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने बताया कि अपराध कर्मियों के द्वारा शहर तेलपा ओपी अंतर्गत बेलखारा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 11,49,713 रुपया डकैती की सूचना मिलने के बाद अररिया पुलिस ने सहायक पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी शुरू कर दी थी, जिसको लेकर पूरे इलाके की नाकाबंदी कर कई थाना के थानाध्यक्ष एवं QRT की टीम ने घटनास्थल समेत कई जगहों पर छापेमारी की। एसपी ने बताया कि छापेमारी अभियान के दौरान QRT टीम को तेलपा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पान बिघा के पास एक स्कॉर्पियो एवं 2 मोटरसाइकिल तेजी से भागते नजर आई, जिसका पीछा कर QRT और अररिया पुलिस की मदद से भाग रहे 2 मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों को दबोच लिया गया, जबकि पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 देशी पिस्तौल, 32 राउंड कारतूस, 4 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं एसपी ने कहा कि जब पुलिस के द्वारा चारों से पूछताछ की गई तो पता चला कि इस लूट की घटना में से 10 से अधिक लोग शामिल थे। इसके बाद अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अरवल सदर थाना क्षेत्र के शाही मोहल्ले से पुलिस ने एक और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए 5 अपराध कर्मियों की पहचान शिवचंद तिवारी, बबलू उर्फ पप्पू लोहार, राजेश पासवान, शैलेंद्र कुमार उर्फ आगंत आर मुन्ना खान के रूप
रूप में हुई है। ये एक टीम थी जिसमें कुछ लोग नीचे थे, कुछ लोग ऊपर गए हैं और कुछ लोग दूर खड़े हुए थे ताकि बैग को ट्रांसफ़र किया जा सके या हथियार को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो उसका और उद्भेदन भी किया जाना बाकी है। केवल जितने लोग ऊपर घुसे थे वे ही शामिल नहीं थे, पूरा इनका बड़ी टीम थी, लगभग 10 से ज़्यादा मेम्बर थे। क्या क्या चीज़ बरामद हुई है सर? 3 पिस्टल कंट्री मेड, जिसमें से एक ज़्यादा कारगर दिख रहा है, 32 8mm KF लिखी हुई 315 बोर कहलाती है कि बुलेट्स मिली हैं, 2 मोटरसाइकिल जिनमें से एक चोरी की है और एक इसमें शामिल एक अभियुक्त की है, 1 स्कॉर्पियो कार जिसमें अपराधी पलायन किए थे और उसका स्वामित्व भी मुन्ना खान नाम के अपराधी का है, और 2,30,000 रुपये कैश और अभियुक्तों के मोबाइल फोन। अब हम तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के चुरीहारी टोला स्थित तिबरेबाल धर्मशाला में रविवार को एहसास एक उम्मीद अपनों की संस्था की ओर से मेगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था समेत जिले के विभिन्न जगहों से पहुंचे दर्जनों लोगों ने हिस्सा लेकर दूसरे की जिंदगी बचाने में योगदान देने के उद्देश्य से रक्तदान किया। शिविर में कोविड महामारी से बचाव के लिए भी संस्था की ओर से इंतजाम किए गए थे, जहाँ काफी संख्या में युवाओं के साथ हर आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ब्लड डोनेट किया और आम लोगों को भी रक्तदान के प्रति जागरूक होने की बात कही। वहीं इस कार्यक्रम में समाज सेवक आलोक अग्रवाल, धनबाद से आए रक्तवीर अंकित राजगरिया और भागलपुर के पूर्व महापौर दीपक उभानिया ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होकर सभी रक्तवीरों का उत्साह बढ़ाया, जबकि तेज गर्मी और धूप के बावजूद लोगों ने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। इधर संस्था के अध्यक्ष विनीत बोधिया ने बताया कि शिविर में विभिन्न समाज सेवी संस्था के सदस्यों के अलावा कई बुद्धिजीवी एवं युवाओं ने शिविर में हिस्सा लिया और 18 से 60 साल की उम्र के लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से संस्था की ओर से शिविर लगाकर रक्तदान कार्यक्रम किया जाता है, जिसका उद्घाटन सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर किया। विनीत बुधिया ने बताया कि कैंप में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान संस्था की ओर से रक्तदाताओं और अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षिका छाया पांडे, संयोजक राजीव गर्ग, नशीमा दिलकश और आशीष दाछीच की पूरी टीम ने सभी रक्तवीरों के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर गौरव चैन, जॉनी संथालिया, प्रीतम कुमार, निमित गोयनका समेत काफी संख्या में संस्था के सदस्य और रक्तदाता मौजूद रहे। आज ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है एहसास एक उम्मीद अपनों की संस्था की तरफ से। ये पहले भी कर चुका है लेकिन बीच में कोविड के चलते ये बंद हो गया था। और ब्लड डोनेशन तो कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है, क्योंकि एक बार जब हम रक्तदान करते हैं तो इससे 3 तरह के बीमारियों को, जो बीमारी होते हैं उनकी सहायता की जाती है, जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है उनको प्लाज्मा दिया जाता है, जिनको हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है उनको हीमोग्लोबिन RBC दिया जाता है, और जिनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है उनको प्लेटलेट्स दिया जाता है। और ऐसे भी जीवन रक्षा के लिए रक्त का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि रक्त देने से, रक्त दान करने से हम बीमार हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शहर के चारों ओर लोग पानी के लिए परेशान हैं। नगर निगम क्षेत्र में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां निगम प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता कराई जा रही है। वहीं पानी की विकट समस्याओं को देखते हुए मुहिम चलाकर अपने निजी कोष से लगातार युवा समाजसेवी विजय कुमार यादव द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में बोरिंग कराकर पीओओं के साथ पानी घर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में आज युवा समाजसेवी विजय कुमार यादव द्वारा वार्ड 28 नील कोठी घाट परारी में भी बोरिंग का
काम शुरू कराया गया। इसका विधिवत उद्घाटन विजय कुमार यादव एवं स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बोरिंग नहीं होने के कारण हम सबों के बीच पानी की घोर समस्या उत्पन्न हो गई है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने विजय कुमार यादव का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने हमारी ज़रूरत को समझा और पानी की समस्या को दूर किया, इसके लिए हम उनके ऋणी हैं। हम सबों का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, उन्होंने जो वादा किया था वह पूरा किया। वहीं युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि पूरे शहर में लोग पानी के लिए परेशान हैं और नगर निगम एवं वर्तमान जनप्रतिनिधि जल संकट की समस्या दूर करने में पूरी तरह विफल है। उन्होंने बताया कि मैंने लोगों की ज़रूरत और परेशानियों को देखते हुए कई वार्डों में बोरिंग के साथ टंकी लगवा कर घर घर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था अपने निजी कोष से किया है। इस अवसर पर अनिता सिन्हा, गुड्डू यादव, आमोद यादव, प्रमोद यादव, विनोद यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। जय भी अंदर लोग हमरा से सुविधा पूरा कोठी घाट पानी पीते नहीं तो बहुत दिक्कत छले, अब दिक्कत नहीं होते। विजय बिहार साथ हम उस नहीं रह पाए। काफी सालों से यहाँ हमारे घने आबादी में जो है ये कोठी घाट में पानी के लिए किल्लत थी, जो कि एक आवाज में जनता के एक आवाज में विजय जी ने ये कार्य को मतलब कि कोई भी काम होने से पहले ये पूर्ण करके दिखा दिए और यहाँ की जनता वाकई उनसे काम के से प्रभावित हुए, खुश भी हैं और जनता लोग भी काफी खुश हैं। यहाँ 2000 से ज्यादा आबादी घर है और 2000 से अधिक आबादी घर कहें कि यानी कि लमसम 5000 की आबादी में यहाँ पे घर है, जो सभी को यहाँ के पानी से सुविधा मिलेगी। आज का कार्यक्रम ये बरारी वार्ड नंबर 28 है और यहाँ पे पानी की घोर समस्या थी और इस समस्या को देखते यहाँ पे एक छोटा सा प्याऊ जो है यहाँ पे मैं अपने निजी कोष से दिया हूँ। और क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी, यहाँ की महिलाएं बच्चे रोड पर से पानी लाता था और बहुत परेशानी होता था पानी के लिए, क्योंकि पानी की समस्या तो पूरे शहर में हर गली हर मोहल्ले जिस गली में जाता हूँ वहाँ पे भी दिक्कत होता है, हर जगह पे समस्या है। जहाँ तक संभव हो रहा है मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें लगा हुआ मेरा मुहिम है कि हर वार्ड में हर जगह पे बोरिंग देना, मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल करियर के लिए जरूरी है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से युवा अपने करियर में सफलता पा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में छात्र छात्राओं के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए स्मार्ट सिटी भागलपुर में पहली बार स्किल्स एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है। शहर के काजपरी चौक स्थित खाटू श्याम मंदिर के समीप शनिवार को रियल वर्ल्ड स्किल्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ हुआ। स्किल्स एकेडमी का उद्घाटन छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, समाजसेवी कुणाल सिंह, तकी अहमद जावेद और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया, जबकि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत की गई। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि भागलपुर के सैकड़ों युवाओं को वर्षों से इस तरह के सेंटर की तलाश थी, जिसे 3 युवाओं ने मिलकर साकार किया है। उन्होंने रियल वर्ल्ड एकेडमी के फाउंडर और निदेशक को बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए मैं सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं जो 3 युवा हमारे भागलपुर के और काजी वली चक और मदार रोजा जिसको मंदरोजा कहते हैं हम लोग, उस परिसर में जो इन्होंने जो स्किल डेवलपमेंट एकेडमी वर्ल्ड स्किल डेवलपमेंट एकेडमी का जो शुरुआत किया है, मैं इन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। तो जुनैद अलफहद और अनिसुर ये तीनों मिल करके हम समझते हैं कि जो तिरंगा फहराएंगे, इसलिए कि आज दुनिया को हम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। नचाने के मेरा मतलब है कि क्या वाशिंगटन, क्या कोलोराडो और क्या साउथ अफ्रीका और क्या जोहान्सबर्ग, ये तमाम चीज़ें हम सेकेंड में उन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, वहाँ तक मैसेज दे सकते हैं, वहाँ से मैसेज ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अपने आप को हम पूरे ग्लोबली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों में हमें स्किल चाहिए और स्किल की बहुत बहुत सारा आलात की जरूरत नहीं है। मौके पर कुणाल सिंह ने बताया कि वर्तमान समय स्किल का है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट राष्ट्रीय जरूरत है। कुणाल सिंह ने करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग को आत्मनिर्भर भारत का बड़ा आधार बताया। मौके पर तकी अहमद जावेद ने कहा कि रियल वर्ल्ड स्किल अकेडमी शहर से लेकर गाँव के युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही बताया कि स्किल के बिना समाज का अस्तित्व नहीं है। इसके पूर्व बिरला ओपन माइंड स्कूल के प्रिंसिपल राकेश कुमार ने स्किल के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कोरोना
के कारण पिछले 2 साल में वर्चुअल शब्द एवं कार्य का काफी इस्तेमाल हुआ, जो स्किल के महत्व को बताने के लिए काफी है। वहीं संस्था के निदेशक सैयद अलफहत जुनैद मंजूर और अनिशूर रहमान ने रियल वर्ल्ड स्किल एकेडमी के उद्देश्य एवं शिक्षा की जानकारी दी। डायरेक्टर ने कहा कि भागलपुर के छात्र छात्राओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, बस उन्हें स्किल देकर सक्षम बनाने की जरूरत है। मन संचालन फिरदौस ने किया। इस अवसर पर तहरुल इस्लाम, अजीत सिन्हा, अकबर टाइगर खान, अंकित कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे भागलपुर और बिहार में बहुत ऐसे छात्र हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हम लोग सर वैसे छात्र को हर वार्ड से सिलेक्ट करेंगे और कुछ बच्चे को 5 से 10 को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट का एडुकेशन हम लोग प्रभाव की किया जाएगा। देखिए, रियल वर्ल्ड स्किल्स एकेडमी बेसिकली एक स्किल्स एकेडमी है। हम लोगों ने बहुत रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने इसमें बहुत सारा कोर्स लॉन्च किया है, जो इस कोर्स का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज के युवा को। जैसे कि इसमें सबसे पहला हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किया है वो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन और आपका स्पोकन इंग्लिश। और IT सेक्टर को देखते हुए हम लोगों ने इसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये भी इसमें लाया है, क्योंकि अभी IT इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पर है और इसमें जो है आपका ये सब वेबसाइट, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया आपका, ये सब कुछ बहुत हेल्प करेगा लोगों को आगे बढ़ने में। देखिए, अगर सच बताओ तो भागलपुर में अभी तक इस तरह का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, स्कूल कॉलेज सब है, लेकिन सबका एक ही मकसद है, एकेडमिक्स की पढ़ाई। लेकिन ज़माना काफ़ी बदल चुका है, 21वीं सदी में आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्किल्स, तो स्किल्स के लिए यहाँ पर एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इसी गैप को देखकर हमने ये निर्णय लिया कि भागलपुर में स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए कुछ निर्माण करना चाहिए, और वहीं से जो है रियल वर्ल्ड स्किल्स एकेडमी का कॉन्सेप्ट उभर कर आया। राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के लिए खेल के विभिन्न रोचक गतिविधियों और माध्यम से प्राथमिक स्तर से कल्पनशीलता, सृजनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन के गुणों के विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दरअसल पटना स्थित राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू में निपुण भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय जिला मास्टर ट्रेनर का 5 दिवसीय गैर आवासीय चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भागलपुर समेत विभिन्न जिले के सभी प्रखंडों के मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इसको लेकर सनहौला प्रखंड के मास्टर ट्रेनर शिक्षक अर्जुन केशी ने कहा कि बहुत जल्द जिले के सभी स्कूल से 2-2 पूर्णकालिक शिक्षक को जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद प्रशिक्षित शिक्षकों को संकुल स्तर पर प्रत्येक स्कूल के प्रथम वर्ग के नामित शिक्षक शिक्षिका को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल एवं विभिन्न रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में बुनियादी साक्षरता, भाषा ज्ञान, संख्या ज्ञान, पर्यावरण की समझ, शारीरिक विकास एवं भावनात्मक विकास के साथ कौशल विकास होगा। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में डिलीवरी बॉय के धारदार हथियार से गला रेत कर अपराधियों ने की हत्या, इलाके में फैली सनसनी। अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस पर अधिकारियों ने किया पौधारोपण, जवानों ने लिया संकल्प। पुलिस पाठशाला में SP ने बताया सफलता का राज, कहा UPSC इतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। बांका में प्यार चढ़ा परवान, SP के आदेश पर हुई शादी, बाराती बने पुलिस कर्मी। और PNB बैंक लूटकांड मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार, SP ने किया खुलासा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।